देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आप सबका। वाह, आज हम उपस्थित हैं उन रणबांकुरों के बीच जो इतिहास का हिस्सा हैं, जो स्वयं इतिहास बनते हैं, हमारी कविताओं के वो पात्र जिन्होंने जीवित रूप से इस इतिहास को पल पल गढ़ा है। भारतीय गणतंत्र के इस लहराते हुए तिरंगे के आनंद के बीच हम सब स्वागत करते हैं सीआरपीएफ के उन जवानों का जिनके पौरुष पर, जिनके कर्तव्य पर और विपरीत परिस्थितियों में जिनके लड़ जाने पर पूरा हिंदुस्तान उन्हें दोनों हाथों सलाम करता है। बहुत बहुत स्वागत आपका। हम और आप अनगिनत कहानियां पढ़ते हैं, हम और आप हर तीसरे चौथे दिन भारत के अग्रिम मोर्चों पर या अंदर शांति स्थापना के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इस पराक्रम के किस्से पढ़ते हैं। लेकिन इस पराक्रम को पराक्रम बनाने के लिए जो परिवार आगे आता है, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे इस फौज के इस हिस्से के, इस अर्धसैनिक बल के इस हिस्से के परिवार यहाँ पर हैं। हम आप सबको भी दोनों हाथों प्रणाम करते हैं कि जो आप इस देश की रक्षा के लिए सजा कर भेज देती हैं। हमारे सुप्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, प्रियतम को प्राणों के प्रण में हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो आप सब भेजती हैं इन्हें और इनके सहारे हमारे जंगल सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। बड़ा आश्चर्य है कि कभी यह बल बनाया गया था इसलिए ताकि ये रिजर्व रहे, और मेरे ख्याल से अब आप एक मिनट के लिए भी रिजर्व नहीं रहते हैं, अब सब जगह आप दिखाई देते हैं। नक्सलियों के दांत खट्टे करने हो या भारत की ओर नापाक साजिशें करने वाले, निगाहें उठाने वाले इन्फिल्ट्रेटर्स को उनके अंतिम मुकाम तक पहुंचाना हो, एक ही सेना, एक ही पल, एक ही छाती, एक ही तमगा काम आता है, जिसे सीआरपीएफ कहते हैं। आप सबको सलाम।